नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, सूरत से क्राइम की ऐसी जानकारी घटना सामने आई है कि उस घटना को सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा और कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित लोग शायद हो सकते हैं उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल सूरत अंतर्गत पुलिस ने एक दो तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके ऊपर मामला दर्ज किया है। और इनके ऊपर जो मामला था वो मामला ये था कि इन्होंने लोगों से फूड लाइसेंस बनाने के नाम पर पैसे की धन उगाही की। तो ये लोग जो है, इनका काम करने का तरीका कुछ ऐसा था कि एक महिला है वो दुकान पर जाती थी और वहां जाकर दुकानदार को कहती थी कि आपका फूड लाइसेंस नहीं है, आपके इधर रेड पड़ेगी, मैं म्युनिसिपैलिटी से हूं। ये बात सबसे इसमें अहम है कि वो अपने आप को खुद को म्युनिसिपैलिटी की कर्मचारी बताती थी और वहां खड़े रहकर वो अपने सांप को फोन लगाती थी जो कि उसका दूसरा सहयोगी होता था। बाद में वो लोग, उस दुकानदार जब वो डर जाता था और उनके चुंगल में फंस जाता था तो उनसे कुछ पैसे की उगाही करते थे और उसको फूड लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को फॉलो करने की बात कहते थे। इस मामले पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी ने इस मामले पर बकायदा मीडिया को जानकारी भी दी। हालांकि उन्होंने उसमें यह कहा कि इनके खिलाफ जो मामला सामने आया उसमें यह चीज जरूर सामने आई है कि इन्होंने म्युनिसिपैलिटी का नाम फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन जिन लोगों का पैसा लिया उनके लिए ये लोग कुछ काम भी करते थे। उनका काम फूड लाइसेंसिंग का जो प्रोसीजर है वो भी शुरू कर देते थे, लेकिन अगर फूड लाइसेंस का प्रोसीजर इन्होंने शुरू कर भी दिया तब भी इनका करने का तरीका तो कानून के खिलाफ था और जाहिर सी बात है उसके लिए ये सलाखों के पीछे जा चुके। सुनिए इस मामले में क्या कहना है आला अधिकारी का। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग जरूर कीजिए। धन्यवाद। અરે અરે મારી વાત સાંભળો, તમારી તો શું આ ભાઈ ની હું મારો ફોન નથી ઉપાડતા, ફોન સ્વિચ ઓફ કરી દીધો અને એની વચ્ચે જે ભાઈ હતા એનો નંબર હતો મારી પાસે, મેં ફોન કર્યો બધાની સામે, તો મારો ફોન અત્યારે નથી ઉપાડતા કોઈ। सरथाना पुलिस स्टेशन में एक आदमी और दो लड़कियां, इन तीनों ने मिलकर ऐसा एक स्कैम किया है कि उन लोगों ने फूड लाइसेंस बनाने के लिए हर दुकान पर जाते थे और वहां पे अगर आपके पास फूड लाइसेंस नहीं तो फूड लाइसेंस हम बना दें, हम SMC से आ रहे हैं, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हम आ रहे हैं, अगर आपके पास फूड लाइसेंस नहीं है तो आपको भारी दंड होगा और आप हमसे फूड लाइसेंस हम आपको बना देंगे, ऐसे करके एक स्कैम हुआ है जिसमें वो हर एक ग्राहक से 2799 रुपये लेते थे। उसमें से वो प्रोसेस तो करते थे लाइसेंस के लिए, लेकिन वो सिर्फ ग्राहक लाने के लिए डमी SMC के कर्मचारी बने थे। कितने टाइम से लोग कर रहे हैं? करीबन 6-7 महीने से ये लोग कर रहे थे। अभी तक करीबन 250 दुकानदारों के पास से उन्होंने लिए, हालांकि सबको लाइसेंस के प्रोसेस में तो डाल दिया, सिर्फ ग्राहक लाने के लिए उन्होंने नकली SMC के कर्मचारी बने थे। ये फरियादी कोई वकील के व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है? हाँ, जो आरोपी है वो पैसे से वकील है, उसने सनद ले रखी लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है वो। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।